हेलो मेरे फूडी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों को मेरी फेवरेट चिकन करी की रेसिपी बताने वाली हूँ। ये राइस के साथ हो या फिर रोटी के साथ हो या फिर पराठे के साथ हो, बहुत अच्छी लगती है। तो फिर नमस्कार, मेरा नाम है पियाली और आपका स्वागत है मेरी चैनल पियालीज किचन में। चलिए फिर फटाफट से रेसिपी को देख लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पियालीज किचन चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। आज मैं इसको हांडी में बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ सरसों का तेल। सरसों के तेल से ना चिकन करी, मटन करी बहुत अच्छी बनती है। तेल जैसी गर्म हो जाएगी, मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। आलू में ज़रा सी नमक भी डाल दूँगी और आलू को ना मीडियम फ्लेम पे थोड़ा सा बस फ्राई कर लूँगी। इसे पूरा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, अंदर तक सॉफ्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आलू का जो कच्चापन है ना, वो चली जानी चाहिए। आलू का कच्चापन चली भी गई है, आप देख भी सकते हो। मैंने इसको पलट पलट के फ्राई कर ली है। अभी मैं इसको निकाल लूँगी हांडी में से। अगर आपको आलू नहीं पसंद होना तो आप इस वाले स्टेप को स्किप कर सकते हो। आलू निकालने के बाद उसी तेल में मैं डाल रही हूँ 2 सूखी हुई लाल मिर्च, तोड़ के डालूँगी ताकि फ्लेवर अच्छे से निकले। 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3-4 हरी इलायची और 3-4 लौंग, और कुछ नहीं डालनी है। मीडियम फ्लेम पे बस 1 मिनट तक भूनने के बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ प्याज। प्याज मैंने यहाँ पे बहुत सारे लिए है क्योंकि जो ग्रेवी है ना, वो थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी बनेगी, मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने प्याज ली है 8 बड़े साइज के। प्याज को हाई फ्लेम पे हम भून लेंगे और प्याज को जल्दी भूनने के लिए थोड़ी सी नमक और कलर के लिए थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दूंगी। और हाई फ्लेम पे मैं इसको तब तक पकाऊंगी जब तक इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है। भी आप बोलोगे कि कम प्याज में भी तो चिकन करी बन जाती है। बन जाती है दोस्तों, मैं भी बना दी हूँ, लेकिन उसका जो टेस्ट है और इसका जो टेस्ट है ना, वो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ग्रेवी का टेक्स्चर जो है, उसमें भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, बातों ही बातों में ना ये प्याज अच्छे से भून गई है। मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन। चिकन मैंने यहाँ पे 2 kg ली है, इसको मैंने अच्छे से धो ली है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 2 बड़े चम्मच अदरक का पेस्ट, 3 बड़े चम्मच लहसुन का पेस्ट, और हाँ, फ्लेम को मीडियम पे रखना। जीरा पाउडर 2 बड़े चम्मच डालना, धनिया पाउडर 2 बड़े चम्मच, 2 किलो ली है ना तो 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। लाल मिर्च का पाउडर आप अपने तीखेपन कितना पसंद है आपको, उसी के हिसाब से आप डाल सकते हो। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च भी मैंने डाल दी है कलर के लिए, और डाल रही हूँ थोड़ी सी मीट मसाला। नमक डालनी है अपने स्वाद के अनुसार और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और अपने फ्राई करके रखी हुई आलू। साथ ही में ये जो मैंने एक्स्ट्रा डाली है ना, थोड़ी सी तेल, सरसों का तेल, इसका जो एक रॉ फ्लेवर आती है वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल डाला है। अभी आप फ्लेम को हाई पे कर सकते हो। जब तक आप मसाले डाल रहे हो ना, तब तक फ्लेम को आप बिल्कुल लो पे रखना, नहीं तो मसाले नीचे से जल जाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद मैंने इसमें एक चीज़ डालना ना भूल गई थी, बस वही चीज़ मैंने इसमें डाल दी है, और वो है टमाटर। टमाटर डालने के बाद मैंने फ्लेम को हाई पे रखते हुए इसको 10 से 12 मिनट पकाऊंगी हाई फ्लेम पे। ये चिकन तो अब तक थोड़े से ठंडे है, ये मसालों के साथ अच्छे से पकेगा तब ये जाके थोड़ा सा गर्म होगा। जैसे ही वो गर्म हो जाएगी, हम इसको ढक के छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पे कम से कम 3 से 4 मिनट। 3-4 मिनट के बाद हम ढक्कन को खोलेंगे, इसको फिर से एक बार उलट पुलट कर देंगे हाई फ्लेम पे। जब भी आप ढक्कन को खोलो ना, फ्लेम को कर देना हाई फ्लेम पे, और इस तरीके से एक बार चला के आप फिर से इसको ढक के छोड़ देना 3-4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। और इसी तरीके से आप रिपीट करना 3-4 बार। ढक ढक के पकाने से होता क्या है दोस्तों, चिकन का जो फ्लेवर है, मसालों का जो फ्लेवर है, वो अंदर ही रहती है, नहीं तो वो भाप बन के उड़ जाती है। अगर आप ढक्कन खोल के पकाते हो ना, तो वो भाप बन के उड़ जाती है। और हाँ, एक और प्लस पॉइंट है, और वो है चिकन अंदर से अच्छे से सॉफ्ट होती है, मसालों का फ्लेवर भी चिकन के अंदर तक जाती है। तो लॉजिक बस यही है कि ढक ढक के पकाना, और तब तक पकाना जब तक चिकन और मसाला दोनों ने तेल नहीं छोड़ देती है। जैसे ही ये तेल छोड़ देगी ना, आप समझ लेना कि ये अच्छे से पक चुकी है। हालांकि इसने तेल छोड़ना स्टार्ट ही करी है, मैंने भी इसको 3-4 बार ढक ढक के पकाई है। अगर आप नोटिस करोगे तो आपको दिख जाएगा। ये देखो दोस्तों, इसने तेल छोड़ दी है, मतलब कि चिकन भी अच्छे से पक चुकी है और मसाले भी। चिकन भी बहुत हद तक सॉफ्ट हो गई है। अब टाइम है इसमें पानी डालने का, तो जितना ग्रेवी आपको चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालना।
मैंने भी उसे थोड़ा सा ज़्यादा पानी ही डाला है, बहुत सारा पानी मैंने नहीं डाल दिया है। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और नमक की ज़रूरत हो तो नमक डालनी है, मैंने भी इसमें थोड़ी सी नमक भी डाल दी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद ढक के हम इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे कम से कम 10 से 12 मिनट, ताकि ये जो एक कंप्लीट जो चिकन करी है ना वो अच्छे से बन जाए। मतलब कि हमने तो इसमें अलग से पानी डाला था ना, उसमें भी ग्रेवी का जो टेक्सचर है, ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो भी जानी चाहिए। तो बस 10-12 मिनट हो गए हैं, चिकन करी अपनी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है, लेकिन लास्ट जो टचअप है वो देना बाकी है। बस आपको गैस को बंद कर देनी है और इसमें डालनी है गरम मसाला पाउडर और ज़रा सी घी, बस और कुछ नहीं डालनी है। बहुत अच्छी चिकन करी बनके रेडी हो गई है दोस्तों, एक बार इसको घर पे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना मत भूलना कि आपके वाले चिकन करी कैसी बनी है। और दोस्तों अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को, ताकि इस तरह के वीडियोज़ मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकूँ। और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।